मेरे इस्लामी भाइयों, आप ये जो घड़ी देख रहे हैं और ये एक कमाल की घड़ी है। इस वक्त हमारी घड़ियों में मदीना मुनव्वरा पे तकरीबन रात के 3:35 हुए हैं और इस घड़ी में 10:10 बाकी हैं। तो ये क्या राज है, ये कैसी घड़ी है जो मस्जिद नबवी शरीफ में है? ये इल्मे तौकीद के हिसाब से है। मैं इंशाल्लाह इसकी तफसील आपको मज़ीद बताता हूँ। पहले आप इस घड़ी को देख लें और इस घड़ी में होने वाले टाइम को देख लें और इस वक्त हमारी घड़ी में जो वक्त हो रहा है वो भी देख लें। तो बताया ये जाता है कि ये जो घड़ी है मस्जिद नबवी शरीफ में जब मगरिब का वक्त होता है तो इस पर 12 हैं, यानी दुनिया में तारीख तब्दील होने के बहुत सारे तरीके हैं जिस पर एक रात 12 तारीख तब्दील होती है। इस्लामी तारीख जो है मगरिब के वक्त, गुरूब आफ्ताब के वक्त तब्दील होती है। तो कुछ अरसा पहले, हम कह सकते हैं 50-60 साल पहले या 100 साल पहले, सारी मस्जिद नबी शरीफ की घड़ियाँ ऐसी थी और इसके औकात कार भी लोगों ऐसे ही चलते थे। यानी 12 मगरिब का वक्त होता था यानी तारीख तब्दील होती थी, उसके ठीक 1.5 घंटे के बाद इशा की नमाज यहाँ होती थी, यानी इस घड़ी के मुताबिक 1:30। और लोग इस तरह ही औकात कार अपने तय करते थे। माशाल्लाह मौलाना ज़ियाउद्दीन मदनी रहमतुल्लाहि तआला के साथ जो लोग रहते थे वो बताते थे कि वहाँ 3:30 जब रात के घड़ी में बजते थे तो महफिल शुरू होती थी। यानी उसका मतलब ये होता था कि मगरिब यानी गुरूब आफ्ताब के ठीक 3.5 घंटे बाद, या दूसरे लफ्ज़ों में इशा के ठीक 2 घंटे बाद। तो ये बड़ी मेरे लिए भी यूनिक बात थी। फिर मैंने यहाँ के जो पुराने अहल मदीना थे उनसे मालूमात की कि ये अब यादगार के तौर पर रखी गई है। बहरहाल ये अनोखी चीज़ थी मेरे लिए भी, तो मैंने सोचा कि आपके लिए इसको वीडियो बना ली जाए।